इतनी स्पीड में चला रहा हूँ बट ये वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं लग रहा है मुझे इसमें 95। ओ भाई मजा आ गया। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Good afternoon, India. क्या हाल चाल है आप लोगों के? और मेरी बहुत बढ़िया है। और जैसे आप टाइम देख सकते हैं, लगभग 1:16 हो गया है। और अभी ब्लॉग मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा था मेरी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो आपने देखा होगा लास्ट ब्लॉग, इसकी मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी, वो आने वाली है। आज डिलीवरी है, कल रात 12 बजे उन्होंने बोला था। तो भाई लोग, फाइनली हमारी ओला की डिलीवरी हो चुकी है और देख सकते हैं कि एक छोटे से ट्रक में लद के आई है। इसमें मैंने देखा था कि 4 ओला आती हैं और एक ये उतार कर आए हुए हैं कहीं पर, और जिसमें जो बीच वाली है वो मेरी है। तो भाई लोग ला चुके हैं बहुत वेट के बाद, और अब ये डिलीवर उतारने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कैसे उतारते हैं, कैसे हम अनबॉक्सिंग वगैरह इसकी मतलब अनरैपिंग करते हैं। तो चलिए यार, मैं मतलब सुबह से वेट कर रहा था, आप लोगों को ब्लॉग में बताया था ना स्टार्टिंग में कि भाई मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ यार, आ जाए। क्या होता है ना, कोई घर में नई चीज़ आती है तो हम लोग चाहते हैं यार जल्दी से आ जाए, वेट नहीं होता। तो ऐसे ही यार मेरे साथ है कि मैंने यार 4 तारीख को बुक की और कंटिन्यू इन लोगों को कॉल कर रहा था, पता कर रहा था भाई कब ला रहे हैं, कब ला रहे हैं। और डिलीवरी मामले में मतलब मज़ा आ गया, बहुत अच्छी डिलीवरी दी है इन लोगों ने। मतलब सिर्फ 4 दिन में मेरी ओला आ गई है, जिसमें रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, नंबर प्लेट भी लग गई है, सारे काम सिर्फ 4 दिन में हो गए। मतलब समझ लो ना, RTO का काम यार 4 दिन में कैसे होता है इतनी जल्दी, तो ये सब 4 दिन में हमारा हो गया है। तो भाई मज़ा आ गया डिलीवरी में। अब ये नीचे उतार रहे हैं हमारी ओला, हमारी है, देख सकते हैं आप लोग कितनी अच्छी पैकिंग है, एकदम कलर भी नहीं दिख रहा है किस कलर की आई है। तो भाई मतलब मज़ा आ गया, अभी मैं चला भी रहा हूँ, काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉग डाल रहा हूँ ये, बट यार इसमें मज़ा आ गया मुझे देख के यार, देख सकते हैं यार, वाओ बढ़िया कलर लग रहा ना एकदम। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ वीडियो मैं ओला के ऊपर लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं इसके सारे रिव्यू आपको दूंगा, कितनी अच्छी चलती है, कितनी अच्छी नहीं चलती है। इसमें आगे आपको इसमें एक छोटा सा मोटो ब्लॉग भी दिखाऊंगा आपको मैं, जिसमें स्पीड बहुत अच्छी आई है यार, मतलब मज़ा आ गया स्पीड में यार, बहुत मज़ा आया है। तो अब ये भैया सेट करेंगे पूरी, देखिए इसमें मिरर वगैरह भी नहीं लगे हैं, तो शायद इसमें मुझे मिरर भी मिलने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। तो ये भैया ही हैं जो लेकर आए हुए हैं, ये लखनऊ से मैं यहाँ पर डिलीवर हो रही है, तो देखते हैं फिर कैसी लगती है। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. तो अब भैया मिरर फिट कर रहे हैं ओला के अंदर हैं, मैंने आप लोग बोला 2 मिरर इसमें मिले हुए हैं मुझे, और इसमें साइड एसेसरीज वगैरह कुछ नहीं आई है। तो मैं इनसे भैया से पूछा था मैंने, तो उन्होंने बताई एक वेबसाइट बताइए वहाँ। और अभी हम इसकी, दरअसल हम थोड़ा काम से भी जा रहे हैं, तो हमने सोचा है कि एक छोटा सा मोटो ब्लॉग आप लोगों के लिए शूट करते हैं। आगे वो हेक्टर जा रही है एकदम नई। तो आज हम इस वीडियो में क्या दिखाएंगे आपको, जैसे अभी आपने देखी होगी पूरी अनबॉक्सिंग वगैरह इसकी, मतलब अनरैपिंग हुई थी, गाड़ी से उतरी थी मस्त एकदम, ठीक है ना। और शीशे इसके दोनों लगाए गए थे, उन्हीं ने लगाकर हमें दिए, ठीक है। और एक हेलमेट मुझे मिला है, काफ़ी सही क्वालिटी है, वो मैंने डिग्गी में रखा हुआ है, वो भी आपको मैं दिखाऊँगा। एंड अभी आज मैं इस वीडियो में क्या कवर करने वाला हूँ, देखिए इसकी मैं चार्जिंग में कितने यूनिट इलेक्ट्रिसिटी ये ले रही है, क्या है ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा, बट इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ इको मोड में ये कितनी हाई स्पीड पकड़ती है, नॉर्मल मोड में कितनी हाई स्पीड, एंड स्पोर्ट्स मोड, क्योंकि ये मेरा S1 मॉडल है, प्रो नहीं है, अगर प्रो होता तो उसमें एक हाइपर मोड भी मुझे मिलता, बट मुझे नीड नहीं थी प्रो मॉडल की, तो मेरी नीड के हिसाब से ये S1 काफ़ी अच्छी है।
तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए एक बस छोटा सा एक्सपीरियंस वीडियो और स्पीड वीडियो, मतलब स्पीड कितनी कहाँ तक क्या जा रही है, ये सारी चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा। जैसे अभी नॉर्मल मोड चल रहा है, अभी मैं इसे आगे चल के थोड़ा इको मोड पे सेट करूँगा, थोड़ा भीड़ भाड़ कम हो जाए, तो आपको मैं इको मोड पे दिखाऊँगा कि क्या स्पीड मिल रही है इसमें है। फिर नॉर्मल मोड में हाई स्पीड दिखाऊँगा। अभी तो 60 देखिए आप लोग, 60 टच कर दिया इसने है, ठीक है ना, नॉर्मल मोड पे रहा है, ठीक है ना। और अब मैं इसमें इको मोड सेट करने वाला हूँ, इको मोड पे देखते हैं क्या स्पीड हमें मिलती है। तो पहले हम क्या करते हैं, स्कूटी को रोकते हैं एक जगह और इको मोड लगाते हैं। वैसे हम चलते चलते भी लगा सकते हैं, बट मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा इको मोड लगाने का। दरअसल ये राइट हैंड पे देखिए, ये पावर का बटन है, ये अपना मोड चेंज करने का। तो इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे हम, तो इको मोड देखिए, अब इको आ गया है लिख के इस पर, दिख रहा है नहीं दिख रहा आप लोगों, इको मोड आ चुका है। अभी कैमरा थोड़ा टेढ़ा लग रहा है मुझे, तो इको मोड आपको दिख रहा होगा, इको मोड आ गया। अब मैं इस पर देखता हूँ हाई स्पीड मुझे कितनी ज़्यादा मिलने वाली है। तो थोड़ा पावर मुझे डाउन लग रही है नॉर्मल मोड पे, बहुत ज़्यादा एकदम बूस्ट था, क्योंकि मैं अभी तक नॉर्मल मोड ही चलाया, इको चलाया नहीं था। आप लोगों के लिए दिखाने के लिए मैं इको मोड पे सेट किया। अब देखते हैं हाई स्पीड हमें कितनी ज़्यादा मिलने वाली है। वो भाई पावर आ गई वापस, तो भाई मज़ा आ रहा है। 43, 42, 43, 42, 43 काफ़ी अच्छा रोड है ये देखते हैं, कॉलोनी बन रही। बट स्पीड के मामले में बात करें तो ये 42 टच कर रहा है इको मोड पे, और रेंज मेरी 78 दिखा रहा है, ठीक है ना। लगभग मेरी शायद 50% के आसपास चार्ज है ये, हाँ 50 के आसपास चार्ज है, और ये 78 किलोमीटर दिखा रहा है मुझे। तो अच्छी रेंज दिखा रहा है मुझे इको मोड पे। जैसे अगर मुझे कहीं जाम वगैरह में चलना है तो इको मोड बेस्ट है यार सिटी के अंदर चलने के लिए। और रेंज बताओ 50% भाई, 78 किलोमीटर दिखा रहा है, बहुत अच्छा है। अब हम इसे स्विच करने वाले हैं अपना नॉर्मल मोड पे ना, नॉर्मल मोड पे मैं देखूंगा कितना ज़्यादा हाई हमें मिल रहा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मल मोड की टेस्टिंग। तो भाई जो इको मोड की स्पीड थी वो ब्रेक कर चुका है ये, और 50 हो गई है स्पीड। अब देखते हैं हाई स्पीड कितनी ज़्यादा हमें मिलती है नॉर्मल मोड पे है। 57, ओ भाई रुको रुको रुको, हाई स्पीड देखनी है मुझे। 51, 57 तक तो टच किया था, लेकिन फिर ऑटो आ गया था एक। अभी देखते हैं 60 हो चुकी है, 65, 66, ओ भाई 67, तो आगे भी देखना है 69। नॉर्मल बोर्ड पे भाई मुझे लग रहा है ये तो बहुत ज़्यादा मस्त, ओ भाई 70, 75, ओ भाई क्या बात है भाई, ये तो रॉकेट बन गई है, ओ भाई ये तो स्पोर्ट मोड क्या करेगा यार। एक मिनट, मुझे तो भाई 80 यहाँ पे नहीं यार, मतलब यार स्कूटी है, मैं बाइक तो चलाता हूँ यार 120 तक, बट यार स्कूटी में मुझे भाई 80 मतलब। तो भाई ये स्पोर्ट मोड क्या करने वाला है भाई, इसमें तो मज़ा आ गया है यार। मैं तो मतलब 60-65 सोच रहा था, ये तो 80 टच कर दिया इसने है, मुझे लग रहा था 85 तक जा सकता है ये। तो अब नॉर्मल मोड हम चेक करने जा रहे हैं, अभी हाई हमने 80 टच किया है, अब देखते हैं हमें कितनी ज़्यादा स्पीड मिलने वाली है इसमें। 80 तो मतलब पता है ना, 80 हमने चेक कर ली है पूरी तरह से, 80 में मिल रही थी। अब देखते हैं हाई कितना और मिल सकता है, 80 से ज़्यादा जाएगी या नहीं, क्योंकि यार मुझे लग रहा है स्पोर्ट मोड फिर कहाँ चेक करेंगे। 77, 80, 81, और ये हमें 80 ही हाई है भाई, इसकी नॉर्मल जो है वो 80 है, और हमने चेक कर लिया है 80 से ऊपर नहीं आ रही। मैंने पूरा एक्सीलेटर खींच रखा है, बट 80 से ऊपर नहीं उठ रही है ये, बढ़िया मज़ा आ गया भाई। अब चेक करते हैं हम स्पोर्ट्स मोड, और ये स्पोर्ट मोड लगा दिया और ये रॉकेट बन गई, क्या बात है भाई। ओ भाई 92, 94, ओ भाई ये तो हैंडल मुझे देखिए, आप पता इतनी स्पीड में चला रहा हूँ, बट ये वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं लग रहा है मुझे इसमें। 95, ओ भाई मज़ा आ गया, क्या बात है ओला भाई, मज़ा आ गया सच में भाई। 95 भाई, ओ भाई सही में भाई, इसके लिए तो तालियां हो जाए भाई। कमेंट करो और बताओ भाई स्पोर्ट मोड बहुत पावरफुल है, तो हाइपर कितना ज़्यादा तेज होगा जो मैंने चेक नहीं किया, क्योंकि हमारी स्कूटी में भी नहीं है, बट मज़ा आ गया भाई। और 90, एक स्कूटी वो भी इलेक्ट्रिक भाई, मज़ा आ गया यार। मार्केट में कोई और है क्या इसे टक्कर देने वाला, सच में भाई। अब मैं मेन जो मोड है वहाँ तक पहुँचता हूँ इससे, स्पोर्ट्स मोड को ही लेके।
ऑफ रोडिंग भी हमने कर दी है, पूरा रोड बहुत ही ज़्यादा बुरा है, तो ऑफ रोडिंग चल रही है अभी बहुत देर से है। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मुझे लगा था शायद रेंज कम पड़ जाएगी, बट अभी 45 इको पे दिखा रहा है, तो हम बरेली से वापस जा सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। लगभग 20 किलोमीटर बाहर हैं बरेली से हम, तो इसका हम पूरा अच्छे से टेस्ट ले रहे हैं, जो भी है भाई सब कुछ देख ले रहे हैं भाई, कोई कमी वमी तो नहीं है कि हम भाई मतलब यार लंबे टाइम के लिए चलानी है हमें, तो चेक तो करनी पड़ती है पूरी ना, तो पूरा टेस्ट चल रहा है अपना। ऑफ रोडिंग भी चल रही है और डबल सीट है हम लोग, हाँ ये आपको मैंने बताया नहीं था, हम लोग दो लोग बैठे हुए हैं, पारस भी है और मैं भी हूँ, दोनों लोग हैं। निपट गया है और हम वापस बरेली की तरफ निकल चुके हैं, और अभी मेरी स्कूटी की रेंज 27 किलोमीटर है और बरेली अभी यहाँ से लगभग 12 होगा, तो रेंज मेरे पास बच जाएगी अभी, तो अगर टाइम मिलता है तो अभी हम आपके लिए एक सिनेमेटिक वगैरह इसके लिए शूट करने हैं, अच्छे अच्छे वीडियो बनाने हैं थोड़े। और मैंने एक चीज़ देखी कि भाई मतलब कंफर्ट जोन नेक्स्ट लेवल वाला है इसमें भाई, मतलब एक्टिवा वगैरह मैंने सारी चलाई है मेरे पास, आपने देखी है, पल्सर 220 है, तो पावर की अगर मामले में जाए तो मुझे कम नहीं लग रही है, काफ़ी अच्छी पावर वगैरह है। इलेक्ट्रिक के हिसाब से भाई पावर मेरे हिसाब से तकरीबन 200 सीसी की बाइक अगर लगा दूँ आप स्पोर्ट्स मोड लगा दूँ तो बराबर है, क्यों पारस? 200 सीसी की बाइक और अपना स्पोर्ट्स मोड भाई सेम टू सेम है, है ना? तो भाई अब मैं आपको ना एक वीडियो बनाऊंगा पल्सर और ओला, पल्सर 220 और ओला की टक्कर दिखाऊंगा भाई, देखते हैं कौन जीतता है इसमें हाईएस्ट स्पीड में, ठीक है ना? लगभग 100 जाने में किसको ज़्यादा टाइम लगता है ये देखना है मुझे ना, तो स्पोर्ट्स मोड पे हम चेक करेंगे, जल्दी वीडियो लाएंगे उसकी भी आपके लिए। और कलर ये बहुत प्यारा लगा, दरअसल बाइक और वाइट और ब्लैक कॉमन है यार, हर कोई लेता है, तो हमने कहा थोड़ा हम अलग लेते हैं, तो ये लिक्विड सिल्वर है, काफ़ी प्यारा कलर लगा मुझे तो मैंने ये लिया है। तो कलर के मामले में, बॉडी के मामले में भाई मस्त है। अब इस पर बस आगे लिखवाने को रह गया है हमारा कि यूट्यूब चैनल का नाम एंड सिंबल बनवाना है यूट्यूब का, तो वो काम बचा है थोड़ा, तो वो काम हम करवाएंगे एक दो दिन में, वो भी आपको हम दिखाएंगे कहाँ से क्या करा रहे हैं मॉडिफिकेशन वगैरह, और इसमें थोड़े हम एसेसरीज़ भी इसकी मंगाने वाले हैं, वो भी हम क्या क्या मंगा रहे हैं किस वेबसाइट से मंगा रहे हैं वो भी सब आपको दिखाएंगे। तो जुड़े रहिए आप मेरे चैनल के साथ, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला था चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो मेरी, और आप लोगों का सपोर्ट अच्छा है। मेरे चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 3500 क्रॉस हो चुके हैं आज, और बहुत खुशी की बात है, जल्दी हम इस सफ़र को 10,000 तक ले जाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को जोड़ बड़ा करेंगे और 10,000 सब्सक्राइबर्स का पहला टारगेट है उसे अचीव करते हैं, ठीक है? चुकी मात्र 17%, और मैंने इसमें एक चीज़ देखी कि जैसे ही 20% बैटरी रह गई थी इसमें इको मोड अपने आप ही ओपन हो गया है। अब मैं जैसे मोड चेंज करना चाहता हूँ बट नहीं होगा, तो मोड चेंज हो नहीं रहा है, इको मोड पे ही अभी हमें चलानी है। तो 17 किलोमीटर है और मेरा घर लगभग 3 किलोमीटर बचा होगा यहाँ से, तो आराम से घर जाएगी, चार्जिंग लगाएंगे, फुल चार्ज करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। और अभी आप इंजॉय कीजिए, ये सनसेट होने वाला है कुछ ही टाइम में, कितना मस्त व्यू आ रहा है ना, ये देखिए आप लोग भाई हुआ। क्या हो गया? नई गाड़ी है, हो क्या गया लेकिन नई गाड़ी में? अरे भाई ये क्या हुआ है भाई, किया नहीं किया कि बिल्कुल तो पेंट बजा दी है क्या, पीछे से टक्कर मारी है इस पे, बिल्कुल नहीं किया यार, किया सोनेट है और ये आगे ट्रैक्टर खड़ा है इसने टक्कर मारी है भाई, क्या यार गंदा एक्सीडेंट, ये देख सकते हो पूरा कांच ही कांच पड़ा हुआ है यार, बताओ मैं ब्लॉक का एंड करने जा रहा था और ये देखिए एक्सीडेंट यार, भाई रोड पे चलना तो इतना दुश्वार है, आज मेरे साथ भी होते होते रह गया, नई स्कूटी से एक्सीडेंट होते होते बचा है भाई, बहुत बुरा हुआ। चलो अब ऐसा करते हैं ब्लॉग का एंड करते हैं और मिलते हैं जल्दी आपसे एक नए ब्लॉग में, और उस भाई का बहुत नुकसान हुआ है, चलिए नई गाड़ी थी यार उसकी, बड़ा दुख हो रहा है यार देखकर यार, चलिए कोई नहीं मिलते हैं आपसे हम जल्दी ही नए ब्लॉग में, चलिए बाय बाय।